और दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार इस समय प्राची की बात की जाए तो प्राची बहुत कुछ शॉर्ट करती हुई नजर आ रही है रणवीर के साथ में। जी हाँ, क्योंकि जो इतनी टाइम से इतना कुछ इन दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ रही थी उस चीज़ को आखिरकार रणवीर और प्राची दोनों ही एक दूसरे के साथ में इस मसले को निपटाते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि रणवीर की बात की जाए तो रणवीर इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि किस तरीका से आखिरकार प्राची के साथ में रहकर बहुत कुछ सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इधर बात की जाए प्राची की तो प्राची भी अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो भी आखिरकार रणवीर को समझने की कोशिश कर रही हैं और ये भी महसूस करने की कोशिश कर रही हैं कि हाँ इन सब कुछ के बीच में गलती खुद प्राची की भी रही है। क्योंकि 6 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है और प्राची ने कभी रणवीर की तरफ को मुड़कर भी नहीं देखा था। ये वाकई में दोस्तों सबसे बड़ी गलती नज़र आ रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी अभी यहीं समाप्त नहीं होती है, बल्कि प्राची के बॉस का बेटा एक बार फिर से प्राची के ऊपर चांस मारता हुआ नजर आने वाला है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि अभी तक प्राची को पता नहीं है कि कुछ ऐसा भी होगा, लेकिन दोस्तों जो होगा अब वो वाकई में अनोखा होगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में नया ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा और जहाँ पर खुद रणवीर बोलता हुआ नजर आने वाला है कि मैं कहानी में सब कुछ बदल दूंगा, मेरे हाथ में है। क्योंकि अभी तक इन लोगों को कुछ और लग रहा था, लेकिन रणवीर बोलता हुआ नजर आने वाला है कि कहानी यहीं समाप्त नहीं होगी, बल्कि असली ट्विस्ट तो मेरे देखने पर ही दिखाएगा। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएं गाइज कैसे लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू।